thanks for asking. Assalamualaikum खान साहब, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। पता नहीं मैं किसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हमारे बहादुर लीडर हैं, हमारे शेर जसवीर हैं, आप तो नहीं घबराते, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ट्राई करते हैं कि हम आपसे सब कुछ सीखे, मगर मैं थोड़ा कभी कभी घबरा जाती हूँ, तो अगर आप कुछ कहेंगे। मेरा नाम निशिका है, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा नाम लेकर मुझे जवाब करें। सॉरी, क्या नाम था? मिश्कार। मिश्कार, मिश्कार। अच्छा, किधर से हैं आप? हैं किधर से? मैं अमेरिका से हूँ। नहीं नहीं, पाकिस्तान में किधर से हैं? पेशावर से। अच्छा, देखिए ये जो खौफ है ना, ये एक नेचुरल चीज है। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं होता, खौफ को काबू पाना जरूरी होता है। खौफ के सामने आपको सर नहीं झुकाना होता, खौफ को फाइट करना होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये खौफ तो एक नेचुरल चीज है, अल्लाह हमारे में पैदा करता है, ये हमें कई चीजों से बचाता है। यानी बच्चों में आग का खौफ होता है कि जल ना जाए, तो ये तो नेचुरल चीज है, हम अल्लाह ने हमें बचाने के लिए रखी। लेकिन इसके ऊपर काबू पाना असल में चीज होता है। तो इसके ऊपर मेरी जो सारी जिंदगी की तजर्बा है, वो असल में ईमान एक चीज है जो आपके खौफ दूर करता है। क्योंकि जब आपके ऊपर आप अल्लाह पे चीजें छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने खौफ के ऊपर काबू पाना शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं लोगों को, आप सब सुन रहे हैं, यूथ है, नौजवान है, मैं बार बार एक चीज बताता हूं आपकी बेहतरी के लिए, कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आया था ये। प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, बाहर भी बैठे हैं, ये जरूर स्टडी करें। 625 से वो इंकलाब शुरू, इंकलाब तो 622 से शुरू हो गया था मदीना की, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लेकिन 625 में सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, और उसके 11 साल के बाद, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई कहानियां नहीं है। 313 लड़ने वाले थे जंगे बदर में, 625 में। 636, 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जो कि सुपर पावर थी, वो उनके सामने कोलैप्स करता है यारगो की जंग में, जब जो खालिद बिन वलीद लीड करते हैं। और उसके अगले साल जो सेकंड सुपर पावर है पर्शियन एम्पायर, वो कत्सिया के अंदर उनके सामने गिर जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? ये कितना बड़ा चेंज आया होगा कि वही लोग जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, एकदम दुनिया के लीडर्स बन गए। ये समझने की बात है, ये है ईमान की कुव्वत। ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके खौफ खत्म हो गए। वो जो इकबाल के शाहीन, इकबाल का शाहीन की परवाज होती ऊपर है जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है, लालच की जंजीरें तोड़ देता है, जो मैं बहुत बड़ा होता है ईगो का, उसकी जंजीर तोड़ देता है, इंसान आजाद हो जाता है। और जब आजाद इंसान होता है, वही बड़े काम करता है। और उन्होंने ये जो अल्लाह बार बार कहता है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो वो सीखे तो सही उनकी जिंदगी से, कि उन्होंने कैसे इंसानों को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था। और यही मैं पाकिस्तानियों को बताता हूं कि हम वो मुल्क बने थे जो हमने, हमारा आइडियल था मदीना की इस्लामी फलाई रियासत, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमारा जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान का मकसद बनाया था कि हम क्यों बने। तो हम वो जो जिस रियासत के ऊपर जो हम फॉलो कर रहे हो, उससे हम ना उसको फॉलो करते हैं, ना सीखते हैं, ना हमारे स्कूलों में बताया जाता है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, ना कोई हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी बात करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जब तक हम अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आएंगे, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, अदर और इंसाफ, फलाई रियासत, जो इंसान अंदर से आजाद होता है ला इला इल्लल्लाह से, तब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं सिर्फ ये आपको ओवरऑल कह रहा हूं आपके लिए कि देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल होती है, अंदर से, बाहर से अदल और इंसाफ से आप लोगों को आजाद करते हैं, और फिर आजाद लोगों की परवाज ऊपर होती है।